गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फोर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और फोर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। स्टूडेंट्स, पहला टाइप है डायमेंशनल कांस्टेंट, दूसरा टाइप है डायमेंशनल वेरिएबल, तीसरा टाइप है डायमेंशनल कांस्टेंट और चौथा है डायमेंशनल वेरिएबल्स। डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स दोज फिजिकल क्वांटिटीज हुज वैल्यूज आर कॉन्स्टेंट, जिनकी वैल्यू क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है बट हैव डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, इसकी डायमेंशन तो है बट इसकी जो वैल्यू है कॉन्स्टेंट, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की डायमेंशन है लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू है, कितनी होती है इसकी वैल्यू, 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यूज है ये क्या है, कांस्टेंट है। और ये यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन है, और उनकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, उनको क्या कहते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज हुज वैल्यूज आर वेरिएबल, बट हैव डायमेंशन। अब फोर्स की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं होती, फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, इसकी वैल्यू क्या होती है, वेरी करती है और डायमेंशन है। एरिया कांस्टेंट नहीं होता लेकिन डायमेंशन है। डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती, डायमेंशन है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता और इसकी डायमेंशन है। यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन भी है और उनकी वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल, उनको डायमेंशनल वेरिएबल्स कहते हैं। डायमेंशनलेस कांस्टेंट यानी जिसकी डायमेंशन भी नहीं है, डायमेंशन लेस का मतलब जिनकी डायमेंशन नहीं है और उनकी वैल्यूज भी कांस्टेंट है, यानी दोज फिजिकल क्वांटिटीज हुज वैल्यूज आर कांस्टेंट आल्सो डू नॉट हैव डायमेंशन, यानी डायमेंशन भी नहीं है और उनकी वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, पाई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है और इसकी डायमेंशन भी नहीं होती। प्योर नंबर क्या है, कांस्टेंट है और इनकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती। ई, ये एक्सपोनेंशियल टर्म का एक टर्म है, ई मैथ्स में आप पढ़ेंगे। हाँ, इसके अलावा मैं बता देता हूं, साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें इनकी वैल्यूज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जैसे साइन थीटा क्या होता है, साइन 30 ले लिया, तो ये क्या है, साइन 30 ले लिया आपने यहां पर, नहीं ये इसमें आएगा, ये इधर आएगा,
इसमें आए। तो ये क्या है, इनकी डायमेंशन भी नहीं है और इनकी वैल्यूज क्या है, कॉन्स्टेंट है। डायमेंशनलेस वेरिएबल्स दोज फिजिकल क्वांटिटीज हुज वैल्यूज आर वेरिएबल, दोज फिजिकल क्वांटिटीज हुज वैल्यूज आर, यानी उनकी वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है और उनकी डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस है और उनकी डायमेंशन नहीं है, उनको क्या कहते हैं, डायमेंशनलेस वेरिएबल। फॉर एग्जांपल एंगल, एंगल की एंगल वेरी करता है और इसकी डायमेंशन भी नहीं है। स्ट्रेन, व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन भी कांस्टेंट नहीं है, स्ट्रेन कांस्टेंट नहीं है और इसकी डायमेंशन भी नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी कांस्टेंट नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं है और इसकी डायमेंशन भी नहीं होती। यानी डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी डायमेंशन है लेकिन उनकी वैल्यू कांस्टेंट है। डायमेंशनल वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी डायमेंशन है और उनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रही है। डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी डायमेंशन लेस, डायमेंशन नहीं है और उनकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। डायमेंशन लेस वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी डायमेंशन नहीं है और उनकी वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये चार तरह की, ये फोर टाइप्स की डायमेंशन होती है, फोर टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटी होती है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स इसी तरह से ये लीजिए, हमारे पास अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी ये कहता है ईच एंड एवरी टर्म, ईच एंड एवरी टर्म ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेशन, ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेशन हैव सेम डैमेज, each and every term on either side of equation have same dimension or ye kehle dimension physical quantities having same dimension, having same dimensions should be added or subtracted, added or subtracted। कहने का मतलब है डायमेंशन ये कहता है एल प्लस एल इज इक्वल टू एल, एल माइनस एल इज इक्वल टू भी क्या होता है एल। यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी कहता है ईच एंड एवरी टर्म ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेशन हैव सेम डायमेंशन और
फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है एल प्लस एल इज इक्वल टू एल, एल माइनस एल इज इक्वल टू एल। ये डायमेंशन से यानी ये डायमेंशन इज इक्वल टू सेम। स्टूडेंट्स अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन लेता हूं आपसे। ये लीजिए, मैंने आपसे क्वेश्चन ले लिया है, चेक बाय डायमेंशन मेथड चेक करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। ये लीजिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए। आंसर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां पर v क्या है, वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t क्या है, टाइम। तो यूजिंग टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड्स, लिखिए एक बार खुद लिखें ये डायमेंशन, इसकी वेलोसिटी की, इन सब की डायमेंशन लिखिए एक बार, अपने आप लिखें वेलोसिटी और इन सब की डायमेंशन। लिखा आपने डायमेंशन, लिख लिया सबका तीनों का। आइए मैं बताता हूं, कल आपने पढ़ा था मेरे पिछले वीडियो में वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन इज इक्वल टू यू की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी माइनस टू, टी की डायमेंशन टी। सॉल्व किया ये आ गया एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। आप देख ले इसको सॉल्व करेंगे एल टी माइनस वन आ जाएगा, क्योंकि ईच एंड एवरी टर्म हैव सेम डायमेंशन, ईच एंड एवरी टर्म हैव सेम डायमेंशन, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इक्वेशन इज करेक्ट, दिस इक्वेशन इज करेक्ट। स्टूडेंट्स आइए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं आपसे, चेक द करेक्टनेस, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जैसे ये क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप लिखेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर टेक डायमेंशन बोथ साइड्स। ये लीजिए टेक डायमेंशन बोथ साइड्स। जब दोनों और डायमेंशन लेता हूं तो एस की डायमेंशन लिखिए, खुद ही लिखिए, इन सबकी डायमेंशन लिखिए एक बार। जब मैंने दोनों और लिख लिया आपने, एस क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, एल। यू है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन, टी है टाइम, प्लस हाफ की डायमेंशन, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, इसकी डायमेंशन नहीं होती,
ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस टू, टाइम, टाइम की डायमेंशन टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मेरे पास आ गया एल, एल सॉल्व करेंगे और इधर भी क्या आ गया एल। अब आप खुद देख लें, ईच एंड एवरी टर्म हैव, ईच एंड एवरी टर्म हैव सेम डायमेंशन, ईच एंड एवरी टर्म हैव सेम डायमेंशन, हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इक्वेशन इज, इक्वेशन इज करेक्ट। ये लीजिए, एक क्वेश्चन और लेता हूं, चेक, चेक द करेक्टनेस, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, ऑफ इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। स्टूडेंट्स जैसे ये क्वेश्चन आएगा क्या लिखोगे, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू एस, टेक डायमेंशन बोथ साइड्स, दोनों ओर डायमेंशन लेने पर तो वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन, ठीक है स्क्वायर पहले से ही है, इधर भी एल टी माइनस वन, प्लस टू की डायमेंशन नहीं होती, एक्सीलरेशन की डायमेंशन होती है और एस डिस्टेंस इसकी डायमेंशन एल। स्टूडेंट्स ये हो गया एल स्क्वायर टी माइनस टू, यहां पर भी एल टू टी माइनस टू और ये भी एल टू टी माइनस टू। आप देख लेंगे ईच एंड एवरी टर्म, ईच एंड एवरी टर्म, ईच एंड एवरी टर्म हैव सेम डायमेंशन, ईच एंड एवरी टर्म हैव सेम डायमेंशन, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इक्वेशन इज, इक्वेशन इज करेक्ट, इक्वेशन इज करेक्ट। स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन और लेते हैं, ये लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास, चेक, चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू टू एस कॉस थीटा अपॉन आर रो जी, वेयर एच हाइट, एस सरफेस टेंशन, आर रेडियस, रो डेंसिटी स्मॉल जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें चेक करना है क्या ये इक्वेशन सही है, हमें चेक करना है क्या ये इक्वेशन सही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, डायमेंशन मेथड से आंसर में जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहले लिखेंगे h इज इक्वल टू टू एस कॉस थीटा अपॉन आर रो जी,
उसके बाद टेक डायमेंशन बोथ साइड्स, टेक डायमेंशन बोथ साइड्स, एक्स की डायमेंशन क्या होती है एल, टू टू की कोई डायमेंशन नहीं होती, ये न्यूमेरिक वैल्यू, एस एस की डायमेंशन, एस का मतलब सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की डायमेंशन। अभी ये टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है, आगे आप ये टॉपिक पढ़ेंगे। सरफेस टेंशन जो होता है, मैं बता दूं, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू अपॉन एल, तो एल से एल कट गया, ये आ गया हमारे पास एम टी माइनस टू। एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, आर की होती है एल, डेंसिटी की होती है एम एल माइनस थ्री, और जी की होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की होती है एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। एल आ गया, यहां भी आपने सॉल्व किया, आप देख लें यहां भी जब आपने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, यहां पर एल आ गया। आप चेक कर सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, या ये कह ले ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेशन ईच एंड एवरी टर्म हैव सेम डायमेंशन, ईच एंड एवरी टर्म हैव सेम डायमेंशन, hence by principle of homogeneity, hence by principle of homogeneity equation is correct। students, ये शुरुआत है आपका homework, बहुत कम काम दे रहा हूं, थोड़ा थोड़ा काम करके मेहनत करते रहे, और ये वो topic है, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन स्कूल में भी आएगा, आईआईटी में भी आएगा, आपके नीट एग्जाम में भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, आईआईटी एंड होम एग्जाम्स। खैर, आपका होमवर्क है लर्न डायमेंशंस, ठीक है। दूसरा, डू न्यूमेरिकल्स, डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। ये आपके क्वेश्चंस अपनी बुक में से ट्राई करने हैं। कल अगले वीडियो में हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।